पावन प्यारो राधा नाम पावन श्री वृंदावन धाम पावन प्यारो राधा नाम पावन श्री वृंदावन धाम पावन प्यारो राधा नाम पावन श्री वृंदावन मंडल धाम सदा से ही ब्रिज मंडल धाम सदा से ही मनमोहन को अति प्यारा है मनमोहन को नित बांसुरी वाला इसके फल फूल लताओं में रमता नित बांसुरी वाला
वास करे निर्मल यमुना की धारा है, निर्मल यमुना की धारा है। ये प्रिया प्रियतम की लीला भूमि, ये प्रिया प्रियतम की लीला भूमि। इसको दंडोत हमारा है, ये प्रिया प्रीतम की लीला भूमि। इसको दंडोत हमारा है, प्रिया प्रीतम की लीला भूमि। नित्य क्रीड़ा स्थली, नित्य विहार स्थली, इस ऋषि धाम वृंदावन का महत्व क्यों अधिक। एक बार सारे तीर्थों ने मिलकर ये निश्चय किया कि कोई हमारे बीच ऐसा राजा बनाया जाए जिसकी आज्ञा का पालन सारे तीर्थ करें। सभी ठाकुर जी के पास गए, प्रभो ये निर्णय हमसे ना हो पाएगा, आप ही हमारे बीच तीर्थों का कोई राजा नियुक्त कर दीजिए जिसके आदेश के अनुसार हम सब चलें। ठाकुर जी ने तीर्थराज प्रयाग को यह उपाधि दे दी कि भाई तीर्थों का राजा आज से प्रयागराज होंगे, जैसा ये कहें सभी तीर्थ वैसा ही करें। बात पक्की हो गई। अब जैसे जनरली होता है, एक बार तीर्थराज प्रयाग ने सोचा कि क्यों न एक सभा बुलाई जाए, जनरल बॉडी मीटिंग करें कि जिसके अंतर्गत कुछ और आगे की बातों पर विचार किया जाए। परिणाम तीर्थराज प्रयाग ने मीटिंग कॉल की, सारे तीर्थ जितने भी थे सब के सब आ गए, लेकिन उस मीटिंग में श्री धाम वृंदावन नहीं आया। मीटिंग समाप्त हो गई, लेकिन ये बात तीर्थराज प्रयाग को अच्छी नहीं लगी कि उसने मीटिंग बुलाई और सीधा वृंदावन नहीं आया। परिणाम क्या, ये शिकायत तीर्थराज ने ठाकुर जी से की कि प्रभु आपने मुझे कैसा राजा बनाया है कि प्रजा उसकी बात नहीं मानती, तो इसके लिए क्या किया जाए। ठाकुर जी पूछते हैं कि भाई ठीक है, सब जने आए, श्री वृंदावन नहीं आया तो क्या खास बात है। बोले नहीं, एक ने भी अगर आज्ञा का उल्लंघन किया तो बात अच्छी नहीं लगती, फिर कैसा राजा हुआ मैं। इस पर फिर ठाकुर जी तम तमा कर कहते हैं, देखो तीर्थराज, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, तीर्थों का राज दिया है, कोई अपने घर का राज नहीं दिया मैंने। श्रीधाम वृंदावन क्या है, ये तो मेरा घर है, मेरे घर का राज नहीं दिया तुझे, तीर्थों का राज दिया है, इसीलिए श्रीधाम वृंदावन का महत्व क्यों अधिक। ये प्रिया प्रीतम की लीला भूमि, इसको दंडोत हमारा है, इसको दंडोत हमारा है। जय जय श्यामा, जय 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 श्री वृंदावन।
कहा जाता है कि प्रेम नगर ब्रज भूमि है, प्रेम नगर ब्रज भूमि है, जहां न जाए कोई और जावे तो जिए नहीं और जिए तो बौरा हो, यानी बावला बन जाता है, जावे तो जीवे नहीं और जीवे तो बौरा होए। क्यों? देश और विदेश से अनेक व्यक्ति आते यहाँ, देश देशांतर से अनेक व्यक्ति आते यहाँ, जिनके हृदय में जलती प्रेम ज्वाला है, जिनके हृदय में जलती प्रेम ज्वाला है, गोपी गुरु गौरव से राज रहे कुंजन में, गोपी गुरु, गुरु कौन यहां, गोपियां ही, क्यों, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी गुरु गौरव से राज रहे कुंजन में, पाकर प्रवेश होता चित्त मत वाला है, पाकर प्रवेश होता चित्त मत वाला है, प्रेम की परीक्षा होती प्रेम का ही प्रश्न पत्र, प्रेम की परीक्षा होती प्रेम का ही प्रश्न पत्र, प्रेम का ही प्रमाण पत्र मिलता निराला है, प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है, उद्धव से ज्ञानी यहाँ आए प्रेम पढ़ने को, उद्धव से ज्ञानी यहाँ आए प्रेम पढ़ने को, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है, उद्धव से ज्ञानी यहाँ आए प्रेम पढ़ने को, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है, इसीलिए जय जय। क्यों जय जय, इसका अभिप्राय क्या, जय जय का एक बार नहीं दो बार ये शब्द आया है, जय जय मतलब वो विजय की पराकाष्ठा परिसीमा, जहाँ जाकर परम विश्रांति मिलती है, यानी वहाँ आप कोई प्रयास नहीं करना, उस परम विश्रांति में
कोई साधना उपासना बने तो ठीक, ना बने तो भी कोई प्रयास नहीं। जहाँ सहजता है, परम विश्राम है, वहीं जय जय है। इसीलिए जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। श्यामा जय जय श्याम, चाहे श्यामा के पास, चाहे श्याम के पास, चाहे श्री धाम वृंदावन में, तीनों क्या है मिलकर, एक ही है, परम विश्रांति। इसीलिए प्रेमी भी कहता है कि ये कूचा मेरे यार का है और नक्शे पास सरकार के हैं। चरण चिन्ह किस में है, किसके हैं इसमें, युगल सरकार के। ये कूचा मेरे यार का है और नक्शे पास सरकार के हैं, इस राह को चूमू लाख बार, ये राह गुजर दिलदार के हैं। इस राह को चूमू लाख बार, ये राह गुजर दिलदार के हैं। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। पूजा का लौह किंबा बधिक असी लौह दोनों, चाहे पूजा ग्रह का लोहा हो या किसी भी शिकारी के यहाँ का लोहा हो, लेकिन पूजा का लौह किंबा बधिक असी लौह दोनों, पारस के स्पर्श से
स्वर्ण बन जाते हैं। पारस ये नहीं देखता कि लोहा कहाँ का है, किसी मंदिर का है या किसी और जगह का है, उसका जो स्वभाव है वैसा ही करता है। पारस के स्पर्श से स्वर्ण बन जाते हैं। शर्करा हो शक्रित हरे कृष्ण पावक में, दोनों समान भस्म बन जाते हैं। इसी प्रकार अग्नि ये नहीं देखती कि ये शर्करा यानी शक्कर है, नमकीन है, तीक्ष्ण है, कटु है, क्या है, देखती ही नहीं, क्यों, उसका स्वभाव जलाना है। इसीलिए शर्करा हो शक्रित हरे कृष्ण पावक में, दोनों समान भस्म बन जाते हैं। दूषित हो नाले किंबा शुद्ध जल वाले स्रोत, गंगा जल पावन प्रसक्त बन जाते हैं। गंगा जी में कहीं का भी पानी आया हो, चाहे दूषित नाले का हो या शुद्ध जल हो, लेकिन जब गंगा जी में मिल गए तो गंगा जल हो गए। गंगा जी का स्वभाव है ये। दूषित हो नाले किंबा शुद्ध जल वाले स्रोत, गंगा जल पावन प्रसक्त बन जाते हैं। पापी हो या साधु कोई इससे प्रयोजन नहीं, पापी हो या साधु कोई इससे प्रयोजन नहीं, वृंदावन आके सब भक्त बन जाते हैं। वृंदावन आके पापी हो या साधु कोई इससे प्रयोजन नहीं, वृंदावन आके सब भक्त बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? जिसके पास जो चीज होती है वो वही दे सकता है। अगर हमें कपड़ा खरीदना हो और किसी जौहरी के दुकान पर जाएं तो वहां जवाहरात तो मिल सकते हैं, जेवर तो मिल सकते हैं, कपड़ा नहीं मिल सकता। कपड़े के लिए कपड़े की दुकान पे ही जाना होगा। यानी जिसके पास जो चीज है वो वही दे सकता है। श्री धाम वृंदावन के पास क्या है? श्री राधा और श्री कृष्ण, यानी वो महाभाव और रसराज। यदि हमें जीवन में भाव चाहिए, रस चाहिए, तो श्री धाम वृंदावन में चले जाएं तो अपने आप वो मिल जाएगा। क्यों? उनके पास है, श्री धाम में वो है, इसलिए वो मिल जाएगा। इसे यूं भी कह लें कि जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, सूर्य की किरण चारों तरफ पड़ रही है, एक समान रूप से पड़ रही है, कहीं भी कम नहीं अधिक नहीं। भूगोल के हिसाब से देश, वो कहते हैं ना देशांत, अक्षांश और देशांश के हिसाब से फर्क हो सकता है, लॉन्गिट्यूड एंड एटीट्यूड के हिसाब से, लैटिट्यूड के हिसाब से, लेकिन सूर्य की किरणें वही हैं। लेकिन यदि किसी वस्तु में आग लगानी हो तो वे सूर्य की किरणें पर्याप्त नहीं आग लगाने के लिए। उस वस्तु और सूर्यकरण के बीच में हमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आतिशी शीशा रखना होगा। जो किरण आतिशी शीशे से गुजरकर उस वस्तु पर पड़ेगी तो उस किरण का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि उस वस्तु में आग लगा देती है। अगल बगल में वही किरण पड़ रही है, लेकिन जो किरण मैग्नीफाइंग के ग्लास से होकर आती है वो उस वस्तु में आग लगा देती है। क्यों? मैग्नीफाइंग ग्लास में ये ताकत है कि उसी किरण की उष्मा को कई गुना बढ़ा देता है। इसी प्रकार श्री धाम वृंदावन क्या है? ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, आतशी शीशा है। जिसके हृदय में भाव ना हो वो इस शीशे के अंदर आ जाए तो उसके भाव जागृत हो जाते हैं। और जिस जीव के, जिस साधक के हृदय में भाव हो, वहाँ तो मान लो ईश्वर से मिलन की अग्नि ही लग जाती है। ऐसा है श्री धाम वृंदावन। पापी हो या साधु कोई इससे प्रयोजन नहीं, वृंदावन लाके सब भक्त बन जाते हैं।
वृंदावन आके सब भक्त बन जाते हैं। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। देखा ब्रह्म शास्त्रों में न देखा ब्रह्म, वेदों में न देखा ब्रह्म शास्त्रों में न देखा ब्रह्म। दर्शन वेदांत में न देखा ब्रह्म मूल में, दर्शन वेदांत में न देखा ब्रह्म मूल में। योग में समाधि में ना देखा हरे कृष्ण उसे, समाधि में प्रकाश का अनुभव हो सकता है, होता भी है कईयों को शक्ति का, लेकिन जो रस की बात है वो बात ही अलग है। इसलिए योग में ना देखा, योग में समाधि में ना देखा हरे कृष्ण उसे। खोजा सब ठोर पात पात फूल फूल में, खोजा सब ठोर पात पात फूल फूल में।
भक्तों के प्रसाद से विषाद सब दूर हुआ। विषाद भक्तों के प्रसाद से विषाद सब दूर हुआ। आभा कुछ दिखाई दी कालिंदी के कुल में, आभा कुछ दिखाई दी कालिंदी के कुल में। आगे बढ़ देखा ग्वाल बालों को संग लिए, आगे बढ़ देखा ग्वाल बालों को संग लिए। ब्रह्म वह लौट रहा वृंदावन धूल में, ब्रह्म वह लौट रहा वृंदावन धूल में। आगे बढ़ देखा ग्वाल बालों को संग लिए, ब्रह्म वह लौट रहा वृंदावन धूल में। वृंदावन धूल में ही क्यों, जितने भी तीर्थ हैं सबकी रज की अपनी अपनी महिमा है, लेकिन जितनी महिमा श्री धाम वृंदावन की रज की है कहीं और की इतनी शायद ही। श्री धाम वृंदावन की रज की महिमा भी क्यों, ब्रज कहा जाता है, यह है शॉर्ट फॉर्म। इसका पूरा फॉर्म क्या, ब्रह्म रज। ब्रह्म का ब्र ले लिया गया और रज का जय, ब्रह्म रज को छोटा कर दिया गया तो ब्रज हो गया। यहां तो है ही उस ब्रह्म की रज ही रज, और लौट तो रहा है वो। जैसे बाल छवि देखते हैं श्री कृष्ण अपने ही पांव का अंगूठा चूस रहे हैं, यानी अपना रस अपने आप ले रहे हैं। तो इस रज के अंदर तो क्या है, केवल श्री कृष्ण का ही नहीं श्री राधा का रस भी इसमें शामिल है। जैसे कोई दो मूर्ति मिश्री की बनाई जाए और दोनों में मान लो कोई यंत्र फिट कर दिया जाए और दोनों मूर्तियां रगड़ रगड़ कर चलें, तो जो भी नीचे गिरेगा मिश्री की मिठास ही तो गिरेगी, और क्या गिरेगा। श्री धाम वृंदावन क्या है, यहाँ श्री राधा कृष्ण सीधे चलते ही नहीं, उलझ पलझ उलझ पलझ एक दूसरे की गलबैया डाले हुए खोए खोए से चलते हैं। तो जब वो खोए खोए उलझ पलझ कर चलते हैं तो सोचिए कि उनका माधुर्य कितना इस रज के अंदर मिला हुआ है। चित्रकूट में भी श्री राम सीता जी चल रहे हैं, लेकिन वहाँ मर्यादा की लीला है, इसे राघवेंद्र सरकार अपने कदम उनके चरण जहाँ जहाँ पड़े उस रज में भी वही माधुर्य है वही अमृत है। लेकिन जहाँ चरण पड़े पीछे पीछे सियाजू, वहाँ भी एक सीमित दायरे में वो माधुर्य बिखरा हुआ है, लेकिन यहाँ तो युगल सरकार सीधे चलते ही नहीं, एक दूसरे की गलबैया डालते हुए उलझ पुलझ करते हुए चलते हैं। तो सोचिए कितना माधुर्य उस रज में बिखरा हुआ है। इसलिए श्री धाम वृंदावन की रज की महिमा अनंत है, असीम है। आगे बढ़ देखा ग्वाल बालों को संग लिए, ब्रह्म वह लौट रहा वृंदावन धूल में। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्यामा जय जय।
पुण्य का प्रताप उदय होता कई जन्मों का, एक जन्म का नहीं, पुण्य का प्रताप उदय होता कई जन्मों का। एक बार ब्रिज में मनुष्य जब आता है, एक बार ब्रिज में मनुष्य जब आता है, सेवा कुंज वंशी वट काली देह देख देख, सेवा कुंज वंशी वट काली देह देख देख, सुखद अतीत सुधा सिंधु में समाता है। सिद्ध स्थल है, जो वाइब्रेशंस वहां के मिलते हैं सीधे अंतःकरण को छूते हैं, इसीलिए सुखद अतीत सुधा सिंधु में समाता है। कामना न और किसी बात की रहती उसे, कामना न और किसी बात की रहती उसे, स्वर्ग के विमान यों कह के लौट आता है, स्वर्ग के विमान यों कह के लौट आता है। ए हो देव दूतों विमान यहाँ लाए क्यों, ए हो देव दूतों विमान यहाँ लाए क्यों, वृंदावन वास छोड़ स्वर्ग कौन जाता है। ए हो देव दूतों विमान यहाँ लाए क्यों, वृंदावन वास छोड़ स्वर्ग कौन जाता है। क्यों, ऐसी क्या बात है जो स्वर्ग में नहीं केवल ब्रिजमंडल में ही है। स्वर्ग में कहाँ है मधुर ध्वनि राधे राधे की, जय श्री राधे राधे। स्वर्ग में कहाँ है मधुर ध्वनि राधे राधे की, स्वर्ग में कहाँ कलित कुंज अभिराम है, स्वर्ग में कहाँ कलित अभिराम है, स्वर्ग में कहाँ भीड़ गोपी गाय ग्वालों की, स्वर्ग में कहाँ भीड़ गोपी गाय ग्वालों की, स्वर्ग में कहाँ पुलिंग यमुना लालाम है, स्वर्ग में कहाँ पुलिंग यमुना लालाम है। स्वर्ग में सरस ब्रिज भाषा का प्रचार कहाँ, मैया कहती अरे लाला का खावे गो, जो माधुर्य है इस भाषा में। स्वर्ग में सरस ब्रिज भाषा का प्रचार कहाँ, स्वर्ग में कहाँ माखन चोर घनश्याम है, स्वर्ग में कहाँ माखन चोर घनश्याम है, स्वर्ग में अमित सुख इतना अपार कहाँ, स्वर्ग में अमित सुख इतना अपार कहाँ, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ श्री वृंदावन धाम है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ श्री वृंदावन धाम है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ श्री वृंदावन धाम है। इसीलिए जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री Thank you.
जय जय श्री वृंदावन कही गई सत चित और आनंद। श्री धाम वृंदावन क्या है? सत है और चित यानी चेतना क्या है? श्री कृष्ण और आनंद है साक्षात श्री राधा। यहां इस बात का मतलब यह सत श्री वृंदावन चित चेतना यानी श्री कृष्ण और आनंद श्री राधा। बिना सत के चेतना और आनंद टिक नहीं सकते, एक नहीं रह सकते, क्यों? बिना आधार के कोई वस्तु टिकती ही नहीं। और सत का अगर आधार नहीं है तो चेतना और आनंद, चेतना भी जड़ हो सकती है और आनंद भी दुख का परिणाम हो सकता है। इसलिए श्री धाम वृंदावन क्या है? सत। इसको यदि यूं भी कह लें कि जैसे चना, दिखने में चना एक ही है लेकिन ऊपर का छिलका अलग, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, एक ही है लेकिन अगर उसे गौर से देखें तो छिलका और जो उसका अंदर का भाग है फिर वही बात है, एक ही लेकिन दिखते दो हैं, बीच में एक ऐसी लकीर है। ये है छिलका क्या? जैसे श्रीधाम वृंदावन और अंदर के दोनों पार्ट जो हैं एक ही लेकिन राधा और कृष्ण। ये राधा और कृष्ण यानी अंदर का पार्ट कब सुरक्षित है? जब चने का छिलका मजबूत हो। यानी पहले छिलका अलग होगा तो अंदर के पार्ट भी अलग होने की पूरी संभावना है। वही काम है श्री धाम वृंदावन का कि बिना सत के आधार के, बिना श्री धाम वृंदावन के, सीधी सी बात, श्री राधा और कृष्ण अलग अलग हो सकते हैं, संभावना है। इसीलिए क्या है श्री धाम वृंदावन? सत चित और आनंद। इसीलिए रसिक भी और भक्त भी श्री धाम वृंदावन की ही रहने की कामना करते हैं और कहते क्या है? कब सिंह ब्रज वीथेन मांगे, कब सिंह ब्रज
कब सिंह ब्रिज बीते न माही ब्रिज बिथिन में जहाँ डोलत नित युगल लाडले जहाँ डोलत नित युगल लाडले भाव और रस बह रहा है वहाँ कण कण में व्याप्त हो रहा है जहाँ डोलत नित युगल लाडले दिए विमल गल बाही ओ दिए विमल गल बाही दिए विमल गल बाही ओ दिए विमल गल बाही एक दूसरे की गलबैया डाले हुए मगन चलन डग मग पग धावन मगन चलन डग मग पग धावन मगन चलन डग मग पग धावन दोनों आपस में लिपटे हुए हैं कित हूं नटारे मधुभरी चार अखियां कहीं और देख ही नहीं रहे अपनी ही धुन में अपने ही आनंद में चल रहे हैं इसीलिए मगन चलन डग मग पग धावन छिन छिन पंथ भुलाही ओ छिन छिन पंथ भुलाही एक दोनों में इतने खोए हुए हैं कि रस्तों का ही पता नहीं कहाँ जा रहे हैं छिन छिन पंथ भुलाही छिन छिन पंथ ठहर ठहर मुख कंज विलोकत 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 मंद मंद मुस्काए मंद मंद मुस्काए मंद मंद मुस्काए मंद मंद मुस्काए फेहरत अंचल चंचल कुंडल फेहरत अंचल चंचल कुंडल प्रियाजू का अंचल लहरा रहा है उनका नीलांबर और श्याम सुंदर का पीतांबर फहर रहे हैं और कपोलों पे गालों पे पड़ने वाली कुंडल की आभा कैसी जैसे रूप के समुद्र में मछलियां किलोल कर रही हो फेहरत अंचल चंचल कुंडल फेहरत अंचल चंचल
अंचल कुंडल परत कपोलन झाए परत कपोलन झाहि कोटि मनोज अंग छवि मिल मिल चौगुन होत सदाही चौगुन होत सदाही प्रिया प्रीतम की ये अद्भुत अनुपम छवि देखकर कामदेव भी लज्जित हो रहा है। करोड़ों काम मिलकर भी ऐसी छवि का निर्माण नहीं कर पाएंगे। वो जैसे सोचता है कि काश इतना कर लो, उनकी छवि का सौंदर्य माधुर्य और चार गुना हो जाता है। फिर सोचता है, फिर चार गुना बढ़ता ही जाता है। कोटि मनोज अंग छवि मिल मिल कोटि मनोज अंग छवि मिल मिल चौगुन होत सदाही जागन होत सदा। जहाँ ऐसा माधुर्य सौंदर्य भोरी किशोरी तन्मन अकुलित भोरी किशोरी तन्मन अकुलित भोरी किशोरी तन मन अकुलित भोरी किशोरी तन मन अकुलित देखन दृग ललचाही देखन दृग ललचाही देखन दृग ललचाही देखन दृग ललचाही कब सिंह ब्रिज बीथिन माही कब बसी हो ब्रिज बीथिन माही कब बसी हो ब्रिज बीथिन माही जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्याम
वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय हो जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन। Yeah.